शायर तो हूँ नहीं। हाफिज मोहम्मद अफजल फकीर साहब का एक शेर है, क्या फिक्र की जुलानी क्या अर्ज हुनरबंदी, क्या फिक्र की जुलानी क्या अर्ज हुनरबंदी, तौसीफ़े पैगंबर है तौफीक़े खुदाबंदी। तो आज अगर हम जमा हैं यहाँ पे तो ये तौफीक़े खुदाबंदी ही का समर है कि आज सारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं अपने मोहतरम रफ़ीक कंबोज साहब की तरफ एक इशारा ज़रूर करूँगा कि हदीस मुबारक है, बड़ी वाज़ह हदीस है कि अल्लाह के हजूर फरिश्ते हाजिर होंगे और वो कहेंगे कि एक ऐसी महफिल से हम गुजरे हैं जहां जाकिरीन बैठे हुए थे और उस जाकिरीन में कुछ ऐसे आदमी थे हमारे जैसे जो सिर्फ लंगर खाने के लिए आए हुए थे, तो या अल्लाह वो जो बंदे हैं जो इस महफिल के थे नहीं वो भी वहां पे मौजूद थे तो उनके साथ क्या किया जाए। तो अल्लाह फरमाएगा सभी को एक ही लिस्ट में परोकर लेकर वो चाहे वहां पे मौजूद है चाहे जैसे भी हैं। और मैं समझता हूँ एक मेरे बच्चे ने एक शागिर्द जो उनसे भी आदमी सीखता है एक दिन मुझे कहने लगा कि एजाज साहब फर्ज किया मैं आपको किसी चौक में मिलता हूँ, आप मुझे नहीं जानते, मैं रोजाना आपको करता हूँ अस्सलाम वालेकुम सर, आप कहते हैं वालेकुम सलाम, चले जाते हैं। एक दिन दो दिन चार दिन मैं सलाम कर रहा हूँ, आप मुझसे पूछते नहीं आप हैं कौन, लेकिन एक सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ अरसे के बाद जब महीना डेढ़ महीना गुजर जाएगा और इत्तेफाक से मैं वहां पे मौजूद नहीं हूंगा तो आप एक लम्हे के लिए जरूर रुकेंगे वहां पे कि यहाँ पे एक लड़का नौजवान बच्चा रोजाना मुझे सलाम करता था आज वो इस जगह पे है नहीं तो वो किधर है। तो सर मुझे कहने लगे सर आका के हजूर सलातुस्सलाम जो पढ़ना है ना और दुरूशरी पढ़ना वो भी उसी लड़के की कैफियत की मानद है, तो वो यकीनन उसके बारे में पूछते हैं। और एक और रियाज साहब के हवाले से मैं बात करूंगा कि एक माई साहबा पुराने वक्तों की वो चरखा चलाती थी और चरखा चलाते हुए जब वो चरखे का चरखा वो गोल पहिया घुमाती तो कहती ला इलाह इल्लल्लाह और साथ ही जब वो पूनी निकालती धागे की तो वो कहती मोहम्मद रसूलुल्लाह। चुनाचे ये उसकी प्रैक्टिस नौजवान थी, बूढ़ी हो गई, 40-50 बरस की तपस्या जो थी वो उस मरहले से गुजरी तो अल्लाह की तरफ से इज़्ज़त हो गया कि ये माई साहबा जो है अब लोगों के कलमे सीधा कराएंगी। कलमा यार पढ़ाया बहु वसी सदा सुहागन होई, तो वो ये माई जो है ये कलमा पढ़ाया करेगी लोगों को। अब इब्लीस जो था उसने कहा यार ये अगर माई साहबा जो है ये कलमा पढ़ाएगी तो हमारा क्या बनेगा कि जो हमने खेल खेला हुआ है उसमें तो ये रखना डाल देगी माई। चुनाचे एक बड़ा माहिर शैतान जो था वो वहां पे आया तो खूब उसने बनाओ सिंगार दाढ़ी वगैरह रख के बैठा रहा। एक दिन दो दिन तीन दिन माई साहबा ने कोई तवज्जो नहीं दी, आहिस्ता आहिस्ता करीब आया कहने लगा अम्मा जी एक बात पूछनी है। उसने कहा बेटा पूछो। कहते हैं कि 50 कितना अरसा हो गया। कहती गालबन 50 बरस के करीब ने सब सदी। तो जिसको पुकारती हो उसने कभी सलाम का जवाब भी दिया, देखा भी है उसको। माई साहब मुस्कुराई कि मुझे पहले ही पता था तू शैतान है, तू पक्का शैतान है। माई साहब चरखा हिला रही थी उसने रोक लिया, कहती पंजाबी च हुण 10 गेड़दा है। कहती नहीं गेड़दा। माई ने गेड़िया, कहती हुण गेड़िया है। कहती जी बिल्कुल गेड़िया है। कहती बदबख्ता है 50 साल तो गेड़दा पिया है, 50 बरस से मालिक इसको घुमा रहा है तो ये घूम रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज की इस बाबरकत महफिल जो है ये जो रियाज हमारे प्यारे दोस्त खिलजी साहब ने शुरू की है ये उसी चरखे की एक इब्तदा है, ये उसी तौफीके इलाही की इब्तदा है। और इंशाल्लाह अजीज इसमें अल्लाह ताला और बरकत डालेगा, बड़ी बाबरकत महफिल मैं समझता हूँ बहुत बाबरकत महफिल हुई है। और असल चीज एक आपके सवाल का जवाब भी उसमें है कि जैसे सैलानी साहब ने भी एक चीज कही तासीर और कैफियत, जब तासीर और कैफियत पैदा होती है तो बहुत सारे मामलात जो हैं वो इश्क एक ही कर जिसने कर दिया किस्सा तमाम
इस जमीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं, तो बाज औकात ये होता है कि जो कैफियत और तासीर होती है ये वहां पे असर अंदाज होती है जहां पे हजारों सालों की तबलीगें भी असर नहीं करती। तो ये तासीर और तौफीक जो है और फिर उसके साथ ये कैफियत का शामिल हो जाना, ये इस तरह की महाफल जो होती है इसमें लाजमन ये सारी चीजें अल्लाह ताला की जात जो है वो पैदा फरमा देती है और फिर उसके बाद एक सफर जो है इंसान का आसान हो जाता है। आप देखें सर, आपने नसर में कहा है तो माशाल्लाह इसमें भी एक तगज़ुल पैदा हो गया, कैफियत पैदा होगी। बहुत शुक्रिया जरा नवाज साहब, आर्ट कोई भी हो लेकिन कैफियत पैदा करे, कैफियत पैदा करे। बहुत शुक्रिया जरा नवाज साहब, और आपको मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह अजीज हम आपके साथ हैं, आपने ये बहुत बड़ा काम किया है और इसमें सभी दोस्त मेरा ख्याल उसमें दामे दर में सुखने हर लिहाज से उसमें मदद करनी चाहिए। और एक चीज़ और भी तजवीज़ है, शायद अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन मेरा ख्याल अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है कि उसमें किसी दोस्त पर कोई बोझ जो है वो नहीं पड़ना चाहिए। इस सारा जो सिलसिला है कोई माली मामलात जो है या कोई इस तरह के, इसमें सारे दोस्त जो है इश्तराक लाजमी करना चाहिए। शुक्रिया।